वाओ गाइस ये देखो ना सबसे बढ़िया आदि में सबसे पहले ठूसने के लिए कोई आया नहीं है, सबसे पहले ये पहुंच गया। यहाँ ना मतलब इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है फोटो खिंचाने में। दूल्हे के जूते इसमें छिपा चुकी हैं। कैसा लग रहा है आज आपकी शादी है? फील हो रहा है बता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज संडे है, आज हमारी आउटिंग होती है, लेकिन हम आउटिंग नहीं जा रहे, आज हम घर ही चले गए हैं। बट उससे पहले मूवी देखते हैं, क्योंकि आज शाम को हमें जाना है शादी में। हर्षिता और मैंने किरण घटियाल दी के किसी दोस्त की शादी है, तो उन्होंने इन्वाइट किया है। ठीक है, पहली बार हम अल्मोड़ा में नाइट आउट करेंगे। वैसे आज हमें जाना था मार्केट में, क्योंकि मुझे सबके क्वेश्चन उठाने थे पब्लिक के, लेकिन फिर हमारा प्लान बन गया मूवी देखने का। हर्षिता में ही जा रहे हैं और टाइम हो गया है मूवी देखने का। वैसे एड वैड आते हैं तो पहुंच जाएंगे हम टाइम से। गाइस हम देखेंगे ये मूवी। गाइस इस मूवी में है रोबोट। गाइस ये मूवी ना टोटली एआई पे बेस्ड है, मतलब इसमें एआई टूल्स को ज्यादा दिखाया गया है। जानवर भी रोबोट है। क्या है ये, बकरी है या रोबोट वाला कुत्ता है पता नहीं। अरे कुत्ता है, भौंक रहा है तो रोबोट कैसे काम कर। हाँ नहीं यार, इसको तो उस कृति सेनन से होगा प्यार, शायद हीरोइन भी इसमें रोबोट हो, नहीं पता क्योंकि अभी शुरू हो रही है मूवी। ब्रेक में बताऊंगी गाइज अब इसमें क्या हुआ। ठीक है गाइज, अभी इंटरवल हो चुका है, लेकिन मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाहर जाके रिव्यू दूंगी। ठीक है गाइज, थिएटर खाली है, सिर्फ 8 लोग आए हुए हैं, आगे सीटें खाली, सितार में बस। फाइनली मूवी खत्म हो चुकी है और अब आ रहा है गाना। गाइज फाइनली मूवी हमने देख ली है और लास्ट में बहुत फनी थी, मतलब पूरा रोबोट था, मतलब रोबोटिक मूवी। कैसी लगी मूवी? अच्छी थी, फनी। क्या अच्छा लगा? सभी सही लगा। लास्ट में जब उसका मतलब वो मेमोरी कुछ खराब हो जाती है, फिर उल्टी हरकतें करने, मतलब बोर्ड खराब हो जाता है तो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है, मतलब जितना उसको मना किया गया था ऐसा मत करना वो सब करने लग जाती है। इस यहाँ पे शादी है शायद, कितना मस्त डेकोरेशन किया है, फूल उठा लाए। गाइस आज है संडे तो यहाँ लगेगी आज संडे मार्केट। कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं। मैं ढूंढूंगी यहाँ से आज नो स्पिन है नहीं है। गाइस हम आ चुके हैं नंदा देवी मेले में, मेले में बोल नंदा देवी मंदिर में। यहाँ पे निहारिका लोगों का वेट कर रहे थे, वो पता नहीं कहाँ है। निहारिका बन के गई है, आज सुना है वैलेंटाइन, जो तो आज रेड रेड पहन के घूम रही है यहाँ। वैलेंटाइन डे के दिन तो मैं रेड पहनते हैं, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं हो वो रोज पहनता है, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है। अच्छा मेरे पास तो रेड है ही नहीं यार, वरना मैं पहनती। मैं कब देगी? जब ये ले लो पहनो, खोलो बताओ। ये क्या कह रही है काली वाली ना, ये बारिश को बताती है। अरे आपको तो ना निकाल रहे हैं, हम खाने को निकाल रहे हैं ब्लॉग में। नंदा देवी पे बैठे हुए थे, लेकिन हमें यहाँ से खीर मिल गई है, हर्षिता को भी मंदिर का प्रसाद। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? ये यहाँ के अध्यक्ष है, नहीं वो है कमेटी मेंबर, कमेटी अध्यक्ष ना, ये अध्यक्ष है, आप उपाध्यक्ष है। अच्छा सचिव है। अच्छा वो मैं सिर्फ उनको जानती थी पहले, अब सबको। ये हमारे कांग्रेस के वो भी हैं अध्यक्ष, ये मैंने बीजेपी के हमारे। अच्छा मतलब कांग्रेस बीजेपी साथ साथ। अभी आप ये छोटे मोटे नेताओं के साथ, यहाँ बड़े बीजेपी, यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ ही बैठे हुए थे। अच्छा वो बोल बोल दे, उनसे मेरा फूल वापस मांग देना पुष्कर धामी जी से। और ये क्या कहती हैं, ये क्या हमारे जो अभी वर्तमान विधायक के हैं, कौन अल्मोड़े के जो वर्तमान विधायक जी हमारे, कौन है आप? मनोज जी, ये वो हैं, साथ साथ यहाँ पर दवाई सामने प्रत्यक्ष में। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू, ये विधायक जी हैं, ये यहाँ के बस जो हमारे हैं, हम नहीं जानते। हमने नाम तो सुना था लेकिन जानते नहीं हम किसी को। सकल से नहीं दिख रहे, मतलब नाम सुना था ना आप सका। गाइस हम आ चुके हैं अभी सरस्वती में और हर्षिता को आ गई है नींद, और पता है हम आनंद देवी में बैठे थे, हम उनके गप्पे सुनने में थे, और यानी कहाँ कहाँ से रिश्तेदारी निकाले थे। और मतलब वो कहाँ और क्या बोल रहे थे यार, उन्होंने मुझे मेरे सका से बोल दिया कि तू वहाँ की है, कपूर की है, भराड़ी की है, दानपुर की है, टुटियाल है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो अभी हम सरस्वती में आ गए हैं, हम पेट पूजा करते हैं, फिर किरण घटियाल जी का थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, अभी दीदी पता नहीं कहाँ पहुँची है, कॉल किया था, पता नहीं कब अल्मोड़ा पहुंचेगी और कब हम शादी में जाएंगे।
आ गए हमारे मोमोज नॉन वेज। गाइस दिन में से रात हो चुकी है, अभी पहुंच रही है किरण दी। गाइस आप सोच रहे होंगे हम अभी तक कहाँ थे, हम प्रियंका के रूम पे चले गए थे और दी का इंतजार ही करते रह गए, अब आएगी अब आएगी, तो कह दिया जाम लग गया था तो इस वजह से वो नहीं आ पाई, अब हम उनको लेने जा रहे हैं। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं प्रियंका के रूम पे और किरण जी भी आ चुकी है, वो भी की रात को, और देखो इतना बड़ा बैग ढोल के लाई है ये। और प्रियंका मैडम कर रही है यहाँ कुकिंग, क्या बन रहा है? फ्राई राइस। फ्राई फ्राई तो बहुत कुछ होता है, फ्राई मोमो होते हैं तो फ्राई राइस, ये है राइस और इसमें हरी सब्जी है और हरी सब्जी। आपको बता देते हैं हम शादी में क्यों जा रहे हैं। किरण दी, किरण खटियाल दी के दोस्त की शादी है तो वो अकेली पड़ी थी तो उन्होंने हमसे चलने के लिए बोल दिया, इसलिए हम जा रहे हैं। किरण दी यहाँ पे सज सज के साड़ी पहन के चल दिया अल्मोड़ा के बाजार में, हाथ में इतना बड़ा बैग, और लेट हो रही है हमें, गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। हमारा यहाँ जाना माना दोस्त जो गाड़ी के इंतजार में बैठा हुआ है, आपने गाड़ी अरेंज कर दी है नहीं करी हमारे लिए हैं? ये आपके लिए फूल लेके आई हूँ, थैंक यू सो मच, आपकी इस मेहनत का ये अवार्ड है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तोहफे के लिए। हाँ रात को सुनीता होटल कितना बढ़िया लग रहा है, ये अब मिलन हो रहा है यहाँ पे बिछड़े दोस्तों का। यहाँ पे किसी मुस्लिम की शादी है शायद, ये तो मस्त डेकोर किया है, अच्छा लग रहा ना। वाओ गाइस ये देखो ना सबसे बढ़िया। तो यहाँ पे अभी चल रही है चाय पानी, मेरा ध्यान भंडारी और मेरा फोकस सिर्फ खाने में है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ इसको बर्तन मारने के लिए बुलाया है, जा भंडारी। तो गाइस ये रहा मेरा लुक, लिपस्टिक बहुत ज्यादा डार्क हो चुकी है। बात तो सही है। गाइस मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ ना, ये थोड़ी सुंदर लग रही है। हम बेगानी शादी में दीवाने लोग हैं, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। गाइस सुंदर भी नहीं आ रहा हूँ, अब आ रहा है। मैं लिपस्टिक लगाई शायद इसलिए कम सुंदर लग रहा हूं। हर्षिता मैंने लगाई है, मस्त है ना, शादी वाला लुक होना चाहिए थोड़ा बहुत। हर्षिता ने प्यार खाने में फोकस है, सारा सामान दूल्हे की गाड़ी में। व्लॉगिंग यस, वही आने वाली वही हो, ये दूल्हे है, दूल्हे हेलो बोलिए व्लॉग में। अभी मत कर फोन पे बात, अभी भी फोन पे बात कर रहा है, देखो शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। अरे दुल्हन से बात कर रहे होंगे, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। पूरा दिन तो मैं आपसे बात कर रही है, पैसे हो रही है, नहीं काम नहीं करते नहीं ना, बर्तन धुलवाती काम वो भी नहीं करती, पैसे भी नहीं देती लास्ट में। 1 तारीख को सही, 10 तारीख को खाली, 1 बोतल पानी दे दो, 10 तारीख को दे या कुछ भी नहीं, पर 10 तारीख को कौन देता है, महीना खत्म हो जाता है, आधा महीना पूरा हो जाता है। यहाँ पे बैच चल रही है, गौरव भंडार को सैलरी नहीं मिलती बर्तन धोने की, है ना। आज तुझे यहाँ पैसे देंगे खूब, सुनो कह रहा था दूसरा। सबसे बढ़िया मुझे ये झूमर लग रहे हैं, ये नहीं चाहिए मुझे फोटो। इस हम शादी के वेन्यू पे तो पहुँच गए, भंडारी सबसे पहले खाने के लिए दौड़ चुका है नाश्ता पानी के लिए, और वहाँ है शादी। हाँ हम बराती हैं, एक चाय मिलेगी, चाय मिलेगी, सब मिलेगा तुझे। शादी में सबसे पहले ठूसने के लिए कोई आया नहीं है, सबसे पहले ये पहुँच गया। कैसा लग रहा है आज आपकी शादी है, फील हो रहा है, बता। दुल्हन दुल्हन का लुक देख लिया आपने, दुल्हन का लुक देख लिया, देख लिया होगा भाई, देख लिया। भंडारी जी का जाने का टाइम आ गया है, ये हमें छोड़ने आया था। ओके कल मुंशारी को चलेंगे, ओके मुंशारी को आना नहीं आना। चल फिर भाई, ड्राइवर वेट कर रहा तेरा, कहते जा जल्दी अब भाई, इसका मन हो रहा है यहाँ रहने का, पता है। हाँ हाँ मन हो रहा है, उस टाइम पे जा रहा हूँ। गाइस हम वेन्यू पे पहुंच चुके हैं रिबन कटने से पहले, ये है ब्रो, चलो बैठो फिर। दूल्हा डोली में ही तो आता है शायद, डोली में आ गया। गाइस दूल्हे राजा तो डोली में आ रहे हैं, वैसे घोड़ी में आते, फिर यहाँ घोड़ी कैसे आएगी, घोड़ी में नहीं। हम तीनों ने यहाँ पे सीट पहले से ही बना लिया ताकि कोई हमारी सीट एक्वायर ना कर ले। जूते चुराई होने लगी है, जाओ किरंदी, जाओ किरंदी, आपने दोस्त के जूते, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, घुसो घुसो घुसो, यहाँ से धक्का मार गया, जाओ जाओ। बाप रे पहनने ही नहीं दे रहे हैं, दूल्हे के जूते इसमें छिपा चुकी हैं। वैसे भी ये वीडियो बाद में पोस्ट होगा, तब तक तो शादी जा चुकी होगी, तो आप इतना इनसिक्योर मत हो जाओ। अरे मैं मेरे को डांस नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नो नो नो, आप लोग करो, हम डांस नहीं करते। ये हर्षिता को ले जाओ, हर्षिता करेगी, उसकी हैंड डाउन हो रही है, उल्टी हो रही है, हर्षिता को उल्टी हो रही है, इसको गाड़ी लगी थी ना इसलिए।
आप डांस भी दिखा दो। मैं मेरे को नहीं आता डांस, थोड़ा झूठ बोलना होता है ना कि डांस नहीं आता करके। गाइस यहाँ मेरे व्लॉग्स भी प्ले हो रहे हैं। ये है आपका? हाँ। कौन से नाम से? प्रियंका साही। मेरा नाम भी पूरा नहीं दिखा रहा यार, ये यूट्यूब कितना गंदा है। क्या बानिश? ये किरण जी से पूछेगी नाखूनों में क्या लगाया है, दिखाओ तो। ये क्या लगाया है बताओ तो नाखूनों में? बानिश ही बानिश। क्या ठहरा हो? जो दिवाली में लगा दे पेंट। दिवाली का पेंट हाथ में घिस के लग गई है। डिस्टेंबर नहीं आते ना। अब बाकी करने बानिश करने बानिश। क्या? बानिश कहते हैं हमारे। हाँ हमारे डिस्टेंबर कहते हैं। मुनस्यारी का लाइव वीडियो मतलब ये अंकल ने बनाया है अपने, उसमें मुनस्यारी में ऐसे बर्फ पड़ती है और कल हम जाएंगे तो अंकल ही तो आप अंकल मत को तो बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। वाओ कल परसों में पड़ेगी नहीं पड़ेगी फिर बर्फ? बारिश तो बताई है। बारिश बताया लेकिन बर्फ नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ऐसा मत बोलो, मुझे तो बर्फ में जाना है। सब्सक्राइब बोलो। सब्सक्राइब बोलो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। टेक है, फाइनल टेक है, ठीक है। लाइक ऐसे करते हैं, सब्सक्राइब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। रात के 1 बज चुके हैं और हमें नींद आ रही है, लेकिन यहाँ पे महानुभाव लोग हैं जिन्होंने हमें गजा हजा के पागल कर दिया है। तो ये हमारे मुनस्यारी के गाइडर जो हमें परसों को खलिया टॉप पर ले जाने वाले हैं। ले जाओगे ना? और ये वहीं के गाइडर है, मतलब जितने भी टूरिस्ट लोग आते होंगे शायद उनको गाइड करते होंगे, है ना? बहुत अच्छे से। कितना चार्ज करते हुए मंटू मुनस्यारी गाइडर, एडवाइजर या गाइडर? गाइडर। आप अपना चेहरा तो उठा रहा हूँ ना, वो दिख नहीं रहे हैं। खलिया टॉप बिल्कुल, आपको खलिया टॉप कराएंगे। ठीक बा। और परसों का प्लानिंग है, बाकी क्या कहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का रखा है। ठीक है ठीक है। हाँ ब्लॉगर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाते हैं।
women. मुझे यहाँ दिख गया है नींबू, रात के 1 बजे हम यहाँ से तोड़ेंगे नींबू, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाऊंगी यहाँ पे। अरे रुको तो दुल्हन पे फोकस करने दो पहले। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अब हम शादी से जा रहे हैं घर को। एक्चुअली हमारा प्लान था मुंशियारी जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मुंशियारी नहीं जा पाए आज, ठीक है। किरण दी भी अब हल्द्वानी को, हर्षिता भी हल्द्वानी को, मैं जाऊंगी प्रियंका के यहाँ, क्योंकि हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली, अब 2-4 दिन मस्त आउटिंग बिता के जाएंगे। अब हमें यहाँ से लिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं पता, और कल रात भर हमें नींद नहीं आई, नींद मतलब हम 4 बजे ऐसे बैठे लूडो खेलते खेलते सुबह ही होगी है, तो अब घर जाके आराम से सो जाऊंगी। पहले उससे पहले यहाँ आए हैं तो चितई तो जाना बनता है, हम चितई जाएंगे, लेकिन बैग कहाँ ढोले हैं हम समझ में नहीं आ रहा है। एंड गाइस रात भर हम सोए नहीं हैं, मतलब उठे थे, अब जैसे ही रूम पे जाऊंगी सो जाऊंगी सबसे पहले, और क्योंकि 3-4 बजे फेरे ख़त्म हुए, उसके बाद हम लूडो खेल रहे थे, बस यही काम चल रहा। लिफ्ट मिल चुकी है, चलो ले हम चितई की ओर। हम फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह चितई के दर्शन करने, इतनी अच्छी किस्मत हमारी है।